तो हेलो एवरीवन, आज जो है आज का जो ब्लॉग है मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है, वो भी जानबूझ के, क्योंकि मैं इसमें जो है आपको मेरा जो तीज और चौथ का जो व्रत है जो कि हम करने वाले हैं तो उसके बारे में ही बताऊंगी। तो अभी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं मम्मी जी जो है ये रही यहाँ पर तैयारी कर रही हैं। तो मम्मी क्या बन रहा है अपने, अभी पहले आप बताओ। ये तीज माता की पाल बन रही है। पाल बन रही है, पाल क्या होती है? पाल जिसमें तीज माता को मतलब देखते हैं, करते हैं, कहानी सुनते हैं। अच्छा। निमड़ी की, निमड़ी जो पाल के ऊपर जो लगाते हैं तो उसी की पूजा की जाती है। अच्छा, तो इसमें वो जल भर के इसी में देखेंगे अपन? हाँ, इसी में सब पांचों फूल्स वगैरह जो भी देखना है वो सब इसी में देखा जाएगा। अच्छा। कच्चे दूध से इसको भरा जाएगा। कच्चा दूध होगा? अच्छा। और पानी, अच्छा, सब मिक्स करके इसमें डाला जाएगा, फिर इसकी पूजा होगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से भी बन रहा है। किसका? मिट्टी का बनाया ना आपने ये? हाँ, मिट्टी का। हाँ। गोबर मिट्टी को मिक्स करके फिर बनाया जाता है, और गोबर नहीं भी हो तो नॉर्मल मिट्टी का भी बना सकते हैं। अच्छा, गोबर है तो इसमें गोबर मिक्स किया ना? हाँ। तो गोबर जो है तो बहुत शुभ होता है, क्योंकि पहले के जमाने मतलब पहले आपने देखा होगा पहले के घरों में ना आंगन जो होता था गोबर से नीपा जाता था, है ना मम्मी? हाँ। तो काफ़ी ज़्यादा शुभ मानते हैं। तो अभी जो है इस मिट्टी में गोबर मिलाया है और फिर इसकी हम आगे की पूजा करेंगे जो कि मैं आगे बताऊंगी आपको। और एक चीज़ और बता देती हूँ, जब ये फास्ट जो है मैं छोटी थी तो मम्मी करती थी, तो मम्मी क्या मतलब वहाँ पे मंदिर में जाके जितनी भी औरतें हैं सब मिलके ये वाला मतलब फास्ट करती थी, तो मेरी भी बड़ी इच्छा होती थी मतलब ये देखने की, क्योंकि इसमें ना जल भर के और मतलब वैसे उसकी मतलब छाया जो है ना मतलब फ्रूट्स वगैरह की छाया देखी जाती है। तो मैं छोटी थी तो मम्मी के साथ हमेशा जाती थी, तो बस थोड़ा बहुत याद है अभी मुझे। लेकिन आज जो है आज ये व्रत जो है मैं करने वाली हूँ अभी, तो तैयारियाँ कर रहे हैं मैं और मम्मी मिलके, और बस मैं आपको आप ही थोड़ी देर में बताती रहूँगी कि कैसे क्या प्रोसेस चल रहा है हमारा। तो अभी जो है तैयारी तो पूरी हो गई है हमारी, और आप देख सकते हैं ये रहे यहाँ पे तैयारी जो है पूरी कंप्लीट कर दी है। यहाँ पे सबसे पहले गणेश जी को बैठा दिया है, दोनों साइड में हमने सातू रख दिए हैं, एक जो है गहलोत साहब का है और एक मेरा है। और गणेश जी के लिए नारियल रख दिया है, और यहाँ पे जो जितनी भी पूजा की जो सामग्री होती है बस वो कंप्लीट कर दी है। मम्मी आप भी आ जाओ ना अभी। हाँ, एक बार आ जाओ। अभी दीदी आए हैं हमारे पास में। हेलो दी। तो यहाँ पे दीदी जो है यहाँ पे स्टार्ट कर रही है अपनी पूजा। तो पूजा हो गई है, चांद जो है निकल आए हैं, और नहीं चांद निकल आए नहीं, चांद जो है हमारे निकल आया है, और अब हम जा रहे हैं। और सामान मैंने गहलोत साहब को पकड़ा दिया है, क्योंकि हम थोड़ा शान से चलेंगे, क्योंकि आज मेरा जो है फास्ट है, इसलिए मैं शान से चलूंगी आज, खाली एकदम, बिना हाथों में कुछ भी नहीं लिए। आराम से आना भाई। सरिया
पर जो है हम पूजा करके आ गए हैं चांद मामा की, और अब हम जा रहे हैं क्योंकि अभी जो है वो क्या था मम्मी, अभी उद्यापन भी जो है साथ में, तीज का उद्यापन जो है साथ में कर दिया। तो अब जो है अब हम जा रहे हैं ये सब जो है वो बांटने, सब जितने भी सुहागन औरतें हैं उन सबको बांटा जाता है, जिसमें सातू है। तो सातू जो है सभी सुहागन औरतों को बांटने जा रहे हैं अभी, और फिर आके खाना खाऊंगी, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो अभी जो है जहाँ जहाँ बांटने का था, मतलब सत्तू वहाँ तो हम बांट के आ गए मैं और मम्मी, लेकिन बहुत रात हो गई है अब, तो अब मम्मी बांटने जाएगी अब तो सुबह, या फिर अभी मम्मी जल जाएगी क्योंकि ऑलमोस्ट जो है अभी सब लोग सो जाते हैं, और या फिर सोए भी नहीं होंगे तो ऑलमोस्ट सबके गेट सब बंद कर लेते हैं, तो उसलिए डिस्टर्ब करना भी सही नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ तो पॉसिबल हो सकता है वहाँ बांट दिया है, और बस अब मैं करूँगी चेंज, उसके बाद खाएंगे खाना। और ये कर रहे हैं गहलोत साहब अपना काम, और इनको कोई मतलब नहीं है कि आज हमारा फास्ट है। भाई हमारा नहीं, मेरा फास्ट है। इन्होंने किया है नहीं किया फास्ट कुछ भी, बस यहाँ पे सिर्फ इसमें आप वो क्या सत्यवत नहीं पवित्रता पति क्या मतलब समझ जाना, आप अच्छे पति बनने की कोशिश कर रहे हो आप यहाँ पे, जो कि आप हो या नहीं हो। नहीं, मेरा पति बहुत अच्छा है। वो तो आपने सुना ही होगा कि मेरा पति मेरा देवता है। तो अभी भैया और गहलोत साहब कर रहे हैं काम, कुछ उनका ऑनलाइन कुछ काम चल रहा है, और मैं करती हूँ अब थोड़ा चेंज और फिर जो है खाना खाते हैं। तो अभी जो है मैं नहा के फ्री हो गई हूँ, और चेंज वेंज तो मैंने कर लिया, नहा ली अच्छे से, पूरा फ्रेश हो गई हूँ। अब मैं खा रही हूँ खाना। खाने में आज बहुत स्पेशल है, स्पेशल क्या है वो आपको बताती हूँ, क्योंकि खाना जो है आज मम्मी पापा के घर से आया है और उन्होंने बना के भेजा है, बाफला बाटी, दाल फ्राई और मिर्ची लड्डू। तो अभी आपको दिखाती हूँ, देख सकते हैं मम्मी और पापा ने मिल के ये सब बनाया है और अभी भेजा है। तो मम्मी क्या कहना चाहते हो आप पापा मम्मी को, आज उन्होंने इतना बढ़िया सरप्राइज दिया है अपन को। धन्यवाद, जो एक बेटी के यहाँ पे इतना बढ़िया, मतलब भाई क्या बोलते हैं बताओ तन मन से हाँ तन मन से, क्योंकि ना पापा और मम्मी ने दोनों ने व्रत और ये तीज का चौथा व्रत करा ना, तो मम्मी इच्छा होती है ना बेटी के घर कुछ ना कुछ, तो वही उन्होंने अपनी इच्छा पूरी करी, उन्होंने दोनों ने मिल के खाना बना के और भेजा है, प्यार से खाना बनाया है के लिए। और आप भी कुछ कहेंगे? थैंक यू हाँ थैंक यू। और इतना अच्छा जो है अब खाना खा रहे हैं हम। तो अभी जो है गहलोत साहब पूरी मशक्कत कर रहे हैं और फाइनली अब आप है ना इससे इसको वो करो बता रो इसको मतलब क्या कहते हैं हम बड़ा करते चांदी के सिक्के से बड़ा करो इसे। चलो हो गया, अब आंकड़े के है ना, अब ये पिलाएंगे मुझे, ये पिलाएंगे ना, दूध ले, दूध क्या है ये ऐसे पीना है क्या मुझे, दोनों हाथ एक ही हाथ नीचे रखा है ऐसे। आगे फ्री होके अब मैं डायरेक्ट सोऊंगी, अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आगे का ब्लॉग कंटिन्यू कर पाऊँ। तो चलिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।